नमस्कार, आप देख रहे हैं आशीष न्यूज और आज हम आए हुए हैं सोनातू प्रखंड के कोंदा गांव में। अभी हम एक खेत में खड़े हैं जहां पर पिछले रात यहां पर हाथियों द्वारा इस धान हुआ था इस खेत में, जहां पर एक जगह इकट्ठा किया हुआ था जिस पर हाथियों द्वारा उत्पात मचाया गया था। जहां पर पिछले कुछ वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में हाथियों द्वारा उत्पात मचाया जा रहा है, उसी बीच आज पिछले रात में 6 से 7 हाथी यहाँ पर आया था और इसी बीच उत्पात मचाया है। तो आइए यहाँ के जनताओं से हम बात करते हैं कि क्या क्या इन लोगों के बीच क्या हुआ पिछले रात में, क्या क्या घटनाएं हुई। आइए एक महिला यहाँ पर खड़ी है, उनसे बात करते हैं। तो क्या नाम है के? बानी देवी। बानी देवी, तो इठिंडा मतलब इटा घटना ने कहा इतने अलग, तो कोटा हाथी रहन सातता रहे धान धान रहे 2-3 भोरी रहे तीन बोरी धान के सबे एकदम खाए के समस्त खत्म करी दले आती के बार छुआ पुता पोषवित कैसे कहाँ किनाए के जो जंगल हिंयाई रोला राज संसार खाए के सब खत्म करी चली गेला। तो के माने बिना रे भरियाल रहे? हाँ, भरियाल बिना रहे, बहुत तकलीफ माने चास कर ले रियो, खेती कर ले रियो, आनी के लगे खेती घर माने रियो और घर माने रोही के सब धान दूर खाए के एकदम चली गेला। तो खरे खर डेरा अपन तो इटे तोरे के माने एखन तो प्रशासन के कोनो लिख है को ना एखन कहला के को केको कोई आई सब विषय एसन एसन लोग। हां हां, कोई आई गांव के लोग के जे एसन एसन माने हमर खेती अलग तोखरे हमरे कोई आन जे कि इटा हमरे बना बिक तो हमरे के इटा हमरे के बना दे का सरकार बाटेले सरकारे जखन सरकार कर इहा एको तखन हमरे कोनो काकू कोनो नी कोई होतला हमर जेसन जे कि छुटू छुटू छुआ तो किना करी के हमरे पोसबी होत कहां जाय के तोखरे के अपन हमरे के सुविधा करी दे का है देखर। तो इटा माने तोरे कर ए खेते रहे आरो कोनो खेते? हां, हमरे 2-3 टा खेते रहे त माने 2-3 टा खेत माने सबे का कर घाट कर खेत के सब सिरा देले आती 2-3 घरे कर खेत धान के। अच्छा, मतलब सब? हां तोरे कर। हां हां, 3 घरे धान के हमर सिरा देले आती। अच्छा, और यहां पर इकट्ठा है, थोड़ा कैमरामैन को थोड़ा आगे आने के लिए बोलते हैं, थोड़ा सा आगे आइए। यहां पर एक लड़का खड़ा है, उनसे भी थोड़ा हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए। और इसके बीच आपका क्या नाम है? राहुल सिंह मुंडा। राहुल सिंह मुंडा, क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं 10th क्लास में। अच्छा, 10th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। पिछले रात यहाँ पर क्या क्या घटना घटी? हाथी आया था 7-8 को। अच्छा। और जितना भी धान सबको खा के फेंक फुका के ये कर दिए, क्या बोलते हैं, नष्ट कर दिए जितना भी हम लोग ये किए थे, ये सजा के रखे थे धान सबको, इकट्ठा करके रखे थे वो धान को, उत्पात मचा के इधर उधर धान को आपको कर दिया है। हाँ, तो इसी बीच मतलब हाथी जब आता है तो आप लोग बचने के लिए क्या क्या करते हैं? बामरा बोलते हैं ना, और बॉम का जुगाड़ तो नहीं है हम लोग के पास। अच्छा, तो उसमें रहता होने से तो भगाने तो सकते हैं, लेकिन क्या बोलेंगे, है ही नहीं है वो सब। तो ये हाथी किधर से आती है? तेंतला तरफ से। तेंतला मतलब तेंतला तरफ एक पहाड़ वहाँ पर ऊपर वो वाला नहीं, इधर। अच्छा, तेंतला वाला जो है वहाँ से आती आती है। तो इसके लिए आप लोग मैंने कभी प्रशासन को बोले है कि यहाँ पर हम लोग को बचने के लिए कुछ साधन आप लोग के द्वारा प्राप्त? बोलते हैं लेकिन क्या बोलेंगे, कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो ये घटनाएं आज हुई है, तो इसे मतलब पहले भी हुई थी? हाँ, 7-8 से करीब हो रही है, जितना हर साल होता है। हाँ, हम जितना दिन से जान रहे ना सब ये होते रहे, मतलब ये घटनाएं आप लोग हर साल लगभग होता है। हाँ, और एक बुजुर्ग यहाँ पर खड़े हैं, उनसे भी थोड़ा सा बात करना चाहते हैं। आप तोरे के क्या नाम है? गोविंद महतो। गोविंद महतो, तो इटे मतलब तोरे के इन कह जाते जैसे हाथी उत्पन्न मतलब कहा का तोरा खती अलग? हमारे समूचा हेड से ऊपर तो हो जाए खेती खेती। कोटा हाथी रहन ऐसे तो हमरे कोना देखी रही 7-8 टा को है ना। तो कितना बजे रहते आए रहन? येरा 9 बजे आए हैं। अच्छा, 9 बजे आए कोने इतना। तो मैंने प्रशासन के तोरे एखन तो कोनो कहला कि नहीं क्यों लिखा लिखी कोनो कोलो की एखन ना एखन हमरे मनसुरे बाते मान होय जे कि हमने इटा व्यवस्था करबी के ए बात ही होय एखन के लिखा लिखी या कोनो कहल ने। अच्छा, व्यवस्था करबे तो के बात कर ला इटा इटा जसन के और निहा जसन के हमरे ई कोषाध्यक्ष मधे छ जाहन न एरा के गाय। अच्छा, तो मतलब हाथी जो आयला तो तोरे हमने अपने आप को मैंने जैसे खेते एखन लोग तो गाँव जाए ला हाथी? हाँ, गाँव कोनो समय पहुँचे ना डेली नहीं पहुँचे, जैसे खाए गए पाले नहीं है भुला गए, इतना जंगल मान हमारे तब बाहर के तो कोनो हमारे व्यवस्था नहीं, लाइट बत्ती कोनो नहीं, बम बारूद कोनो नहीं होते। अच्छा, तो क्या करबे? तो एखन तोरे मतलब कल जा रहे गाँव? कल गाँव पहुँची रहन। अच्छा, पहुँची रहन। हाँ, तो कोनो हुआ कोनो दिक्कत? कोनो क्षति नहीं करन। अच्छा, कोनो कोनो क्षति नहीं करन ना। तो इटाक जलाई तोरे मैंने प्रशासन के कहला कि हमरे के सर हम लोग को ऐसा ऐसा उपलब्ध कराई जिससे हम लोग अपना रक्षा कर सकेंगे? हाँ नहीं, रक्षा तो देखिए हम लोग का कुछ व्यवस्था देगा तो हमने से थोड़ा मोटा करेंगे, नहीं तो ज्यादा इतना जंगल में हम लोग घुसने नहीं सकेंगे, कहे कि हम लोग उन लोग के पीछे घूमना रास्ता चलना भी मुश्किल ना है।
तो आप लोग के पास बड़ा लाइट भी नहीं? नहीं कुछ नहीं है, है तो हम लोग का अपना 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 छोटा छोटा जैसा टॉर्च। हाँ टॉर्च। अच्छा टॉर्च में आप लोग काम चलाते हैं। हाँ तो जंगल जैसा है ना, कौन यहाँ आ सकता है? जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो हाथी का जो पंजा है इतना बड़ा बड़ा होता है, और यहाँ पर ग्रामीणों के कहने के अनुसार यहाँ पर रात भर यहाँ पर हाथी रुका था, और शायद सुबह 3 या 4 बजे या मैंने भोर को जब सुबह होने वाली थी उस टाइम यहाँ से हाथी निकल चुकी थी। ग्रामीणों के अनुसार कहना है कि रात भर हाथी सब यहीं पर इकट्ठा होकर यहाँ पर बैठे हुए थे। यहाँ पर आप लोगों को जैसे पंज दिख रहा है, जिस तरह से हाथी का यहाँ पर पंजा है, और ग्रामीणों के कहने के अनुसार यहाँ पर रात भर ग्रामीण ठहरे थे। आइए एक सज्जन से जुड़ते हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुखिया है। तो जैसा हाथी का यहाँ पर पंज दिख रहा है, उसी प्रकार लग रहा है कि रात भर यहीं पर था? हाँ रात भर तो यहीं पर था, सुबह सुबह चला गया है यहाँ से। तो आप लोग देखे थे हाथी को? हाथी को तो नहीं, रात में कैसे निकलेंगे ऐसे, तो भय में हम लोग घर में कहाँ छिपेंगे कहाँ नहीं, ऐसा हम लोग को लग रहा था। मतलब डर लग गया था? डर लग रहा गया था। अच्छा तो इस जगह पूरा हाथी मतलब रुका हुआ था रात को? हाँ रात में यहीं पर था, उधर भी गया, दूसरा तरफ भी गया था।